पहचान में आई, ये मैं ही हूँ। लोगों ने मुझ पर कितना गंदा कलर लगाया, इतने बदले ले लिए लोगों ने मुझे, खत्म करते करते भी किसी ने मुझ पर छत से पानी डाल दिया। कैसे हैं लोग, पर बुरा न मानो, होली है। हाय गाइस, तो अभी इसमें बड़ा सी गंदा दिखाई दे रहा है। अभी हम बना रहे हैं, गुजिया बनाने की तैयारी हो रही है हमारी, हमेशा की तरह, पिछली होली की तरह। पिछली होली का ब्लॉग जिसने देखा होगा तो उसे पता होगा। और आज हमारी पहली होली है देहरादून वाले घर में, तो यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट की चॉपिंग हो रही है और ये फोन चला रहा है। अपनी पूरी होली इस मास में सेलिब्रेट करने वाली। वैसे मेरा थोबड़ा देखने लायक नहीं है, तो मैंने बोला कुछ ना नया थोबड़ा लगाया जाए। क्यों बैगल मैडम, मैं कैसे लगूँ मैडम? मैं मसाला बनाया और हमेशा की तरह मम्मी ने इतना मीठा बनाया। मम्मी क्या मतलब मिठाई बनती तो मिठाई बनाएंगी, इतना मीठा बना रखा। पिछली बार में मम्मी ने बहुत मीठा बनाया था। मम्मी मीठा खाया नहीं जाता, भले मुझे मीठा पसंद है, पर अब मैं कंट्रोल कर रही हूँ मीठा खाना। गाइस, मीठा हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, ये मैं अब समझी हूँ इतनी मोटी होने के बाद। तो अब भी मत खाओ ज्यादा मीठा, बहुत ही ज्यादा मीठा हो रहा है। हमारा पहला गुजिया था और यही फट गया था मुझसे, तो मैंने इसे ऐसे रफू कर दिया। और यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है गुजिया बनाने की, और ये मेरे भाई को अलग ही चुलमच रखी। पूजा कर ली और भगवान में गुजिया चढ़ा दिया, और अब हमारी बारी है कि हम गुजिया ट्राई करके बताएंगे आपको। ये बने हुए गुजिया ऐसे हैं, क्योंकि हमने इनमें सोडा वोडा नहीं डाला है, तो ये ऐसे वो बने हैं। डोंट जज यार, अच्छे बने हैं। अभी चलो ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, मीठा हो रहा है, ज़्यादा मीठा। मोमो बनाते बनाते हम इतने थक गए थे, तो हमने कचरी तलवा दी मम्मी से। मोमो, और मेरे मुंह में मोमो क्यों आया ना, गुजिया, सॉरी गुजिया। बात सच, बात सच। तो यहाँ पे मेरी मम्मी दोबारा से, उससे फर्क नहीं पड़ता मम्मी, लोगों को रियलिटी भी दिखनी चाहिए। I believe in real. पसंद करने के लिए थोड़ी करते हैं लोग, तो बहुत पसंद करते हैं लोग, रियल ब्यूटी को पसंद करते हैं। खबेस तो मत बोल मम्मी, भूत बोल लेते हैं एक बारी को, खबेस बोल दिया, खबेस। ये खबेस जैसे तो है यार। चलो मैं मुंह हाथ धुल के आती हूँ। मैंने मुंह हाथ, और मेरी मम्मी बोली गंडियाल की चूंच नहीं निकाली थी आज, तो ये लो गंडियाल की चूंच। मुँह हाथ धुल के तो मैं वैसे ही लग रही हूँ, क्योंकि मैंने बालों में तेल लगा रखा, और क्योंकि कल होली है ना, तो पहले तेल लगा के मैंने प्रिपरेशन कर दी। यू नो वी आर मिडिल क्लास, एवरेज मिडिल क्लास पीपल। मिडिल क्लास में भी तीन कैटेगरी होती है भाई, हम उनमें से भी उसमें हैं। तो जी, इसमें मेरा मुँह हाथ धुल कर मैं और ज़्यादा घटिया लग रही हूँ। कहाँ जा रहा, तू नहीं आएगा हमारे साथ बाजार? मैं भी आ नहीं, इसको नहीं ले जाएंगे हम, अभी हम मर के मैं आज बुड्ढी ने बोलता कि मैं भी आऊंगा। आटा भी गूंदे, मतलब दूसरी बारी का मैदा गूंद रहे, क्योंकि गुजिया पूरी नहीं होती, इतना ज्यादा बच रहा था मसाला, ज्यादा हो गया मसाला। हाँ, इससे भी करा लो कुछ कम मम्मी। कुछ नहीं कर रहा, सो ही रही थी तब तक मेरे पापा आ गए। पापा आ गए गाँव से, और इस बारे में कोई अंडा वंडा नहीं लेके आ गए। पापा देखो, हमने गुजिया बनाई और सो के मेरे ऊपर ग्लो आ गए। पापा हमारे मेहनत ही, वो खा लो फल गुजिया। ये मम्मी पापा को गुजिया खिला रही, आ जाओ ये हमारी गुजिया। मैं तो इतने ज्यादा खा लिया, मेरा मन नहीं हो रहा खाने का, चाय पिला दो बस। पापा के लिए गुजिया, सब फैमिली यहाँ पे मिलके कर रही है चाय नाश्ता। और ये मेरा पुचड़ी 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 मेरे साथ खेलने आ जा। हमारे घर में आए थे कुछ मेहमान, जिन्होंने जूस तो पिया नहीं, तो हम ही पी लेते हैं। और अभी हम जा रहे हैं खालू मैडम के साथ बैडमिंटन खेलने। इसलिए छोटी होली के दिन भी हमने कलर नहीं लगाया, क्योंकि हम बड़ी होली का इंतजार करते हैं। और ये देखो देहरादून की शाम, आपने तो देखी नहीं होगी, तो देख लो। अभी सब लोग नीचे जाके पापा को मना रहे हैं, क्योंकि पापा आ गए ना गाँव से, तो पापा के पास ही है गाड़ी जो जिसमें हम सब फिट होंगे। क्योंकि मैं अभी क्लिक, मेरे माइंड में एक क्लिक हुआ कि चलो मालदीव तक घूमने चलते हैं, और कुत्ते को भी घुमाना हो जाएगा, क्योंकि कितने दिन हो गए सिरों को भी घुमाने नहीं लेके गए बाहर, उसको भी आदत हो गया बाहर घूमने की। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही चले जाते हैं, पापा भी हैं, बहुत सब लोगों के साथ बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आते हैं। तो देखते हैं कि हमारा मिशन सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, फायदा भाई मैं यहाँ पर बैठी हूँ। ओहो बड़ी वाहियात घटिया लग रही है, मैंने होली के लिए अभी से कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि मुझे लगा कोई तो हालांक लगाने आएगा सारा, कोई नहीं आया। बाहर जाने की खुशी में मैं फटाफट तैयार हो गई, और इंदौर का मेकअप तो अभी चल ही रहा है।
मैं सबसे पहले रेडी हो गई और चलो अभी फटाफट चलते हैं जी। इससे पहले पापा का मूड खराब हुए और पापा अपने मिनटों में मूड बदले तो फटाफट निकल लेते हैं। और मुझे जल्दीबाजी में जो मिला मैंने वही पहन लिया। और यार सच में मैं इतनी मोटी क्यों लग रही हूँ? हाँ चल सिरो, मेरा सिरो भी रेडी हो गया। चल 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 जाने की खुशी मेरे बच्चे को। फाइनली आ चुके हैं हम और सिरो को लेके भी, और पीछे से आ रही है मेरी फैमिली। और ये रही मेरे पापा की लैम्बोर्गिनी। हाँ हाँ लैम्बोर्गिनी, खबरदार जो इसने बुलेरो बोला किसी ने। चलो तो अभी इसमें जाएंगे हम। आ पापा, मेरे पीछे कितना सुंदर मौसम हो रहा है, मौसम हो रहा है ऑसम। आगे मेरी कुटुंब मवासी, इसको दिखा लो पहले। शांत हो जा। अरे वो अभी थोड़ा घबराएगा पहले। नीले मच्छर साले हम पे तो यही है। अबे सेठ जय बद्री विशाल की। चलो 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 जैसे कि कहाँ जा रहे होंगे। अलग करे आया नहीं ना तू। लकी कार्ड हम तुझे मिस कर रहे हैं और तू आया नहीं। ये तेरी फूटी किस्मत, ये तेरी फूटी किस्मत। ये भीड़ थे, भीड़ गए सब लोग। ये भीड़ तो इसलिए लगी है, ये भीड़ तो इसलिए लगी है। अंदर इतना सुंदर आ रखा ना, ये देखो होता है जो पहली बार आता है वो उसके साथ यही होता है। अरे ये देख बस फोटो खींच वाले, इतने अंधेरे में तू नहीं दिखेगा बा। तो चलो अभी चलते हैं इधर थोड़ा घूमने। पहुंच चुके हैं हम मालदेवता में और कल्लू एडम पहली बार आया तो इतने फूले नहीं समा रहा है वो। यार वो लाइट नहीं खुली है ना वहाँ पे, आई लव मालदेवता लिखा है। अबे वैसे ही तो गई, इसको देखो और फोटो खींचो। हाँ बस बस वो मैं ही हूँ जो घर में चाय नहीं पी। घर में चाय नहीं पी, आप बाहर पापा चाय पिला दो, चाय पिला दो। कैसे हो ना मैं है पापा, पर मेरे पापा की फेवरेट है तो इसलिए पीना तो बनता ही है बाहर। ओनली बाहर गाइस। तो आ गई हमारी चाय, पापा कह रहे हम मेरे पापा दे रहे हमें। ये तेल नहीं है सिरू, तेल नहीं है चाय। हम उतर चुके हैं चौक पे और यहाँ पे कलर लेंगे हम, तो कलर लेते हैं फटाफट। कलर की बहुत सारी दुकान लगी लगी हैं। ताने कहाँ जा रहे हैं? सब्जी तो नहीं ले रही क्या? तो सब्जी लेने चलेंगे गाइस। मम्मी प्याज टमाटर ले ले, ये हम कलर लेने। और भैया के बाल ओम भो भैया चले इसको दिखाना। ये भैया के स्ट्रेट वाले बाल ही है ज्यादा सुंदर है। मुसीबत की घड़ी आन पड़ी है। वैसे बाय द वे मेरी टोपी कैसे लग रही है? डॉन से की ड्यूटियाल मुसीबत की घड़ियाल पड़ी है क्योंकि कुत्ते यहाँ से इसको जाने नहीं देंगे। ये देखो कुत्ते यहाँ पे, इसकी लड़ाई होने वाली है भयंकर, तो मुझे इनको बचाना पड़ता है। यार क्या करूँ, एक ओनर हूँ ना। ये दर्द आप नहीं समझ सकते हो, दुख दर्द पीड़ा। हाय, तो हो चुकी थी अगले दिन की मॉर्निंग और अभी बज रही 8 और आज है होली और मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ पूरा तेल तूल छोप के एकदम। कोई जो अभी आपको इतनी ब्यूटीफुल दिख रही थी ना, इन सालों ने मेरा ऐसा कमाल हमारे छत में आ गए हम पे वो। सीरियसली पहचान में आई, ये मैं ही हूँ। लोगों ने मुझ पर कितना गंदा कलर लगाया, इतने बदले ले ले लोगों ने मुझसे, इतने गंदे जी, कितने गंदे लग रहे। और इसको देखो बेचारे को तो ऐसा भदौड़ा, ऐसा भदौड़ा। ये भी अभी भी देखो लोग पानी ही देख रहे हैं। और डेरी अपनी अलग
अलग अलग होली चल रही है, यहाँ अलग चल रही है, यहाँ अलग चल रही है, यहाँ पीछे इनके छतना अलग चल रही है और इधर अलग चल रही है। तो हो गया आई गेस, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत डांटा, इतना मैंने रगड़ने के बाद इतना कलर छूटा है बस। अभी खत्म करते करते भी किसी ने मुझ पर छत से पानी डाल दिया, कैसे हैं लोग, पर बुरा ना मानो होली है। ये लास्ट में आया जब हम भी घूम के नान होके आ गए सबके घरों से, ये कह रहा अब लगाओ बल मेरे। हल्दी लगा रही है क्या? पर यहाँ का नहीं आया ये, तो मतलब वो कलर से ना वो हो गया, थोड़ा एलर्जिक टाइप का हो गया, लाल लाल इनके भी ऐसे हो गया। मेरे तो इधर का कलर ही नहीं निकला ऐसे, इसमें नहीं दिख रहा, पर यहाँ वाइट वाइट स्प्रे लग रहा था, स्प्रे मारा था ना, कल दोबारा से धुलने पड़ेंगे मुझे। अब भूख बहुत लग गया, अब खाना खाते हैं थोड़ा। खाना खाने के बाद हम तीनों चल रहे तो सोने, बाकी सब लोग भी सो रहे क्योंकि इतना डांस डूंस करके थक चुके हैं। तो गाइज तो वीडियो भी यहीं एंड कर देते हैं, जैसे भी लगेगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बता देना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। ठीक है, वैसे फेवरेट बहुत से पार्ट तो हमने दिखाए नहीं क्योंकि फोन कौन लेके जाता है, फोन ही लेके गए थे ना हर जगह, इसको देख बस इसको आना है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वो पता नहीं कब आएगा। ठीक है, बाय।